और सम्राट के अंतिम शासक बृहद्रथ के पुष्पमित्र सुंग ने हत्या की है। कहाँ से हैं आप लोग? कौशाम्बी से हैं। मेरा नाम मूलचंद है, जाति चमार हूँ। आज 9 अक्टूबर है और 12 बज रहे हैं, कार्यक्रम समापन की ओर है और सभी जिलों से लोग जो आए थे, 75 जिले से लोग आए थे, वो घर की तरफ फिर से रवाना हो रहे हैं, घर की तरफ लौट रहे हैं बसपा के सुप्रीमो बहन मायावती को सुनकर। आइए बात करते हैं, ये लोग जो है कार्यक्रम में आए थे मायावती को सुनने, मायावती को सुनकर इन लोगों को कैसा लगा? दादा कहाँ आए थे आप? हम रैली में आए रहे मायावती के। मायावती के रैली में कैसे लगा सुन के? जिताओ सरकार बनाओ। कितने जोर जुलूस से बनाएंगे? अरे करीब 350 सीट से। 350 सीट से जिताएंगे? हाँ भैया, भाजपा भी कह रही है 350 सीट पे जीतेंगे। झूठ सब बोल रही है, वो तो लूट लिए गरीबों को, सबको काम बेरोजगार कर दिया, तेल दूसरे नहीं आपको जो है राशन दे रहा है, 5 किलो में गुजारा होगा, रोजगार दे, हमें 300 रुपया मिलना चाहिए सर, 300 रुपया पाएंगे तो खाएंगे, और 1-5 किलो राशन में हम क्या खाएंगे? तो इसीलिए जो है मायावती को जिता, मायावती की सरकार लाएंगे, बहुमत से लाएंगे। अभी जो है योगी जो है मंदिर बनवा दिया, मंदिर के नाम मंदिर से हमें क्या लेना देना है, मंदिर तोड़ कर खवाएगा क्यों? मंदिर निर्माण आपका वो नहीं करेगा क्या? अरे हम अपने घर में पूजा कर लेते हैं, मंदिर कहाँ जाएंगे श्रीमान जी? कहाँ से हैं आप लोग? कौशाम्बी से हैं। मेरा नाम मूलचंद है, जाति चमार हूँ। यहाँ जाति के चमार हैं और कौशाम्बी से हैं, कट्टर बसपा समर्थक है। मायावती को देखी हैं? हाँ देखा। कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ हमको अच्छा लगा। जिताएंगे क्या? जिताएंगे। कैसे जिताएंगे? अपने हाथ से जिताएंगे। चुनाव को लेकर हम नहीं कहना चाहेंगे, जो आप मंदिर का मुद्दा उठाए हैं उसके ऊपर हम बहस करना चाहते हैं आपसे। क्या बहस करना चाहते हैं? बहस ये करना चाहते हैं, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ के पुष्पमित्र सुंग ने हत्या की है और हत्या करने के बाद में अयोध्या में राम का कहने का मतलब है निर्माण राम जो है पुष्पमित्र सुंग है नहीं? हाँ मतलब हमारे कहने का मतलब राम जो पुष्पमित्र सुंग ही है। रावण कौन है? रावण इतने बड़े महारथी थे, इतने बड़े महारथी थे कि ब्राह्मणों के ब्राह्मण जो कि वेदों में मिलता है, शंकर जी जब अपना घर का निर्माण किए थे तो सुबह उनके घर का गृह प्रवेश कराने के लिए कोई नहीं मिल रहा था। अच्छा आपको क्या लगता है जिस तरह से आप बता, रामायण काल्पनिक है क्या? हाँ काल्पनिक है। तो क्या है आप लोग मानते हैं? हम नहीं मानते हैं। हम तो बुद्धिस्ट हैं। बुद्धिस्ट हैं? कब से हैं? 82 से हैं। 82 से हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं? जी हाँ। जब सम्राट अशोक का राज हुआ करता था, 84,000 स्तंभ इस देश में स्थापित किया गया था, उसको कैसे बिगाड़ा गया? उसको ये जो बृहद्रथ की हत्या हुई है, पुष्पमित्र सुंग ने बिगड़वाया है और जबरदस्ती करके बिगड़वाया है, यहाँ तक कि एक बौद्धों की सर की कीमत वो उस समय 100 स्वर्ण मुद्राएं में अर्पित किया जाता था। आप जो है बौद्धिस्ट हैं? जी हाँ। हिंदुत्व के खिलाफ क्यों हैं? हिंदू तो क्या है, हिंदू का अर्थ क्या है? जब आप बताइए ना हिंदू का अर्थ। जब आर्य समाज जब वहाँ से आ रहा था, यूरेशिया से आ रहा था, तो लोग उनको हूण करके बुला रहे थे। हिंदू को मतलब जो है हमें पढ़ने को मिलता है गूगल पे, हिंदू एक चोर लुटेरा है। क्या सही है? चूर, हाँ ये बात सही है। हाँ। चूर लुटेरा और वो बेईमान, ये हम तो मानते हैं। क्या इस देश में मनुस्मृति लागू है या संविधान लागू है? संविधान लागू है। तो मनुस्मृति को कौन मानता है? मनुस्मृति को वैदिक धर्म वाले मानते हैं और हम बौद्धिक धर्म वाले नहीं मानते हैं। क्या लगता है कितने वर्ष में ये जो है ये समाज जो बौद्धिस्ट की तरह पढ़ेगा? कम से कम 50 साल और लगेंगे। 50 साल के बाद में पूरा का पूरा विश्वमय बुद्धम ये पुनः जो है भारत बौद्धमय की तरफ बढ़ रहा है। आपका कहने का हाँ बढ़ रहा है। क्या लगता है इसमें कितने लोग बौद्धिस्ट हैं, जरा दिखाइए।
कैमरामैन दिखाइए घुमाकर, ये सभी लोग बौद्धिस्ट हैं, हाथ उठाइए आप लोग जो बौद्धिस्ट हैं, हाथ उठाइए। देखिए ये सभी बौद्धिस्ट हैं, ये हिंदुत्व के खिलाफ हैं। अभी योगी जी ने अपने स्पीच में कहा था कि हनुमान जो है दलित समाज से आते हैं। हनुमान दलित समाज से, वो चाहे किसी को भी बांट दें। कल योगी कहेंगे कि हम ठाकुर पासी समाज से आते हैं। क्या योगी जी आपको लुभा रहे हैं क्या वोट के? हाँ, वोट के लिए लुभा रहे हैं। लेकिन योगी जी से खुश कहने दुश्मनी है क्या? हमारी कौन सी दुश्मनी है? क्या हमारे क्या पटदार हैं कि उनसे हमारी दुश्मनी है कि हमारा हक लेंगे, हकदारी लेंगे? मनुस्मृति को क्यों जलाया गया 1987 में? 1927 में 25 दिसंबर को बाबा साहब ने जलाया मनुस्मृति को। क्यों जलाया? क्या आप लोग अब भी जलाते हैं? हम तो नहीं जलाते, हमारे महापुरुष जला के गए हैं और अपना नया निर्माण करके गए हैं। क्या लगता है मनुस्मृति जलाना सही था? सही था। इस देश में क्या चलना चाहिए? इस देश में भीमराज और बोधराज चलना चाहिए। हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पे तथागत बुद्ध जब थे तो शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिया करते थे। इस देश का नाम क्या है मैं जानना चाहता हूं? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप है? हाँ। हिंदुस्तान कहाँ है? हिंदुस्तान नहीं था। तो कहाँ है कि लोग हिंदुस्तान बोलते हैं? हिंदुस्तान का निर्माण 1947 के बाद हुआ है। 1947 के बाद जो है हिंदुस्तान हुआ। क्यों? हिंदुस्तान का अर्थ जानते हैं आप? जी हाँ, हिंदुस्तान का अर्थ, हाँ, हिंदुस्तान का अर्थ होता है हिंदुत्व का देश। हिंदुत्व का देश, हाँ। हिंदू स्थान, ये हिंदू का स्थान है भारत। हाँ। लेकिन भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हाँ, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि म्यांमार से लेते हुए श्रीलंका, ताइवान और थाईलैंड और बुद्ध यहाँ से निकल के गए, सारे देशों में आज उनको माना जाता है। लेकिन भारत में क्यों नहीं माना जाता? भारत में इसलिए नहीं माना जाता है कि भारत में उनका ब्राह्मणवाद ने अस्तित्व खत्म कर दिया। एक एक बौद्धों की हत्या हुई है, सौ सौ स्वर्ण मुद्राएं के पीछे। आप कब बौद्ध समाज को जो है आगे? 1982 में बौद्ध हुआ हूँ, जबकि BSP का निर्माण नहीं हुआ था, DS4 का निर्माण हुआ था। और उससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं भदोही का रहने वाला हूँ और भदोही ग्राम सभा में उस समय हम जब हमारा बचपना था तो बनारस जिला हुआ करता था, और बनारस जिले में हम चमार कास्ट के लोग हैं, और चमार कास्ट के लोग में उस समय कोई ना हमारा मंत्री था, ना कोई विधायक था, ना कुछ था। एक राजा थे काशी नरेश, और दूसरे एक बिहड़ा ग्राम सभा है। उस बिहड़ा ग्राम सभा के एक राजा थे, उनका नाम था गणेश सिंह। उन्होंने अपने बलबूते यानी जबरदस्ती के ऊपर एक चमार की हत्या कर दी, और चमार की हत्या करने के बाद में वो ये चाहे कि हम इसको नोट में तौल देंगे, लेकिन कानून बाबा साहब का संविधान इतना तगड़ा है, इतना मजबूत है कि वो खरीद नहीं पाए। क्या लगता है अभी नवरात्र चल रहा है, हमारे लोग जो है नवरात्रि मना रहे हैं? अरे हमारे हम तो नहीं मना रहे हैं। आखिर के नवरात्र में किसकी पूजा की जाती है ये आप बताइए। हम क्यों बताएं? आप पूछिए। नहीं, नवरात्र में नौ देवी की पूजा की जाती है। कौन से देवी की पूजा की? हम नहीं बताएंगे, हमारा काम पूछना है। आपका काम पूछना है, लेकिन नवरात्र के बारे में मुझको जानकारी नहीं है। क्या लगता है इस मौर्य साम्राज्य को कौन सी पार्टी लेकर चलती है? मौर्य साम्राज्य को लेकर के तो बहुत पार्टी चलती है। कौन कौन सी बताइए? BJP भी लेकर के चल रही है, और BJP भी लेकर चल। लेकिन वोट किसको देंगे आप? हम तो BSP को देंगे। यहाँ जो है सारे बौद्धिस्ट हैं, और रोड जो है BSP को देंगे, और काफ़ी अच्छी नॉलेज देकर जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य और हिंदुस्तान के बारे में। इसी के साथ चैनल को देखते रहिए।